नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक नजर डालते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों की तरफ। नवनिर्वाचित पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सत्ता संघर्ष अब विराम की तरफ अग्रसर नजर आ रहा है। तमाम अटकलों और बयानबाजियों के बीच पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में लड़ेगी, जिसका मतलब साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू को राजी कर लिया गया है और पंजाब कांग्रेस का घमासान अब शांति की तरफ बढ़ रहा है। निजीकरण योजना पर लगातार घेरे जाने के बाद बीजेपी डिफेंस मोड में चली गई थी। लगातार सवालों और देश बेच देने के आरोपों के बीच बीजेपी असमंजस में थी कि किस तरह से स्थिति को संभाला जाए। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आरोपों की झड़ी लगा दी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया और सार्वजनिक उद्यमों को बेचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार ने यूपीए ने अपने शासन के दौरान जो निर्माण किया था उसे नष्ट कर दिया है और अब अंतिम उपाय के रूप में उसे बेच रही है, जिसे यूपीए शासन में बनाया गया था। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा, मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। के जवाब में स्मृति ईरानी ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने हवाई अड्डों का निजीकरण किया, एक्सप्रेसवे का मुद्रीकरण किया और रेलवे के निजीकरण के लिए आरपीएफ जारी किया, तो क्या राहुल गांधी भी देश को बेच रहे थे? आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी सरकार की निजीकरण योजना के जरिए भारत के खजाने में 6 लाख करोड़ रुपए जोड़े जाएंगे। सरकार पहले ही सूचित कर चुकी है कि मुद्रीकृत होने वाली हर संपत्ति का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा। यूपी सरकार ने बताया है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामले वापस ले लिए गए हैं। जिन धाराओं में ये केस दर्ज थे उनमें कई मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। राज्य सरकार ने इन मुकदमों के हटाए जाने का कोई कारण नहीं बताया। दरअसल सीआरपीसी की धारा 321 के तहत राज्य सरकारों को केस वापस लेने का अधिकार दिया गया है। हालांकि 10 अगस्त को कोर्ट ने कहा था कि मामले सिर्फ जनहित में हो या अन्याय होने की स्थिति में ही हटाए जा सकते हैं, न कि राजनीतिक फायदे के लिए। बता दें, अब भी हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 402 के तहत उन मामलों की जांच दोबारा कर सकता है। टोक्यो में पैरा ओलंपिक की शुरुआत कल से हो गई है। ये प्रतियोगिता 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगी। इन खेलों में भारत की ओर से 9 स्पोर्ट्स इवेंट में 54 पैरा एथलेटिक हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री समेत सभी नेताओं ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करते हुए उनको खास शुभकामनाएं भेजी। 1972 में भारत ने पहली बार इन खेलों में हिस्सा लिया था। अब तक के इतिहास में भारत ने केवल 12 पदक पैरा ओलंपिक में हासिल किए हैं। उम्मीद की जा रही है इस बार बेहतर प्रदर्शन होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अफगानी दल हिस्सा नहीं ले सकेगा क्योंकि वहां स्थितियां जगजाहिर हैं और वहां पर आवागमन बंद है। लेकिन ओलंपिक उद्घाटन समारोह की परेड में अफगानिस्तानी झंडे को शामिल किया गया। बताते चलें कि जकिया खुदादी, जो ताइक्वांडो में पैरा ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली अफगानिस्तान की पहली महिला एथलीट थी, लेकिन वो भी तालिबानी संकट के चलते ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाई है। आईपीसी के अध्यक्ष एंड्रयूस पार्सन्स ने कहा, यह फैसला दुनिया भर में एकजुटता और शांति का संदेश देने के लिए किया गया है। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए जाते वक्त सीआईएसएफ के एक अधिकारी द्वारा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को रोके जाने का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआईएसएफ के अधिकारी पर कार्यवाही की गई थी और उसका फोन जब्त कर लिया गया था, लेकिन तमाम खबरों को फर्जी बताते हुए सीआईएसएफ ने ट्वीट किया कि उस अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाने के लिए पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है। लेकिन यह वीडियो काफी वायरल हुआ था और लोग उसके अच्छे काम की तारीफ के साथ प्रशासन के रवैये, जो कि बताया जा रहा था कि उस पर कार्यवाही की गई है, उसको लेकर जमकर आलोचना कर रहे थे। खबरनामा के इस अंक में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अन्य ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। नमस्कार।